दोस्तों अगर आप भी इंडियन रेलवे में वेटिंग टिकट बुक करते हैं या फिर दोस्तों अगर आप भी इंडियन रेलवे में वेटिंग टिकट बुक कर लिए हैं तब दोस्तों आप यह सोचते होंगे कि उस ट्रेन में सारी टिकट अवेलेबल खत्म हो गया है, सब सीट खत्म हो गया है, उसके बाद हमको वेटिंग लिस्ट टिकट मिल रहा है। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है क्या सच में उस ट्रेन में उस डेट को सारे के सारे टिकट बुक हो गया है उसके बाद आपको वेटिंग टिकट मिल रहा है? दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मात्र उस ट्रेन में 50% ही सीट बुक हुआ है, बाकी 50% आधा का आधा सीट खाली है, उसके बाद दोस्तों आपको वेटिंग टिकट मिलता है। लेकिन दोस्तों आप यह कहेंगे कि जब सीट खत्म हो गया उसके बाद ही तो मेरे को वेटिंग टिकट मिल रहा है। जैसे कि दोस्तों उदाहरण के लिए मान के चलिए कि एक ट्रेन में 1000 सीट खाली है, तब दोस्तों 500 इंडियन रेलवे सीट अपने पास पहले रिजर्व रखती है और 500 सीट का ही आपको सिर्फ बुकिंग करने के लिए देती है। मतलब अगर 500 सीट हम जनता लोग के लिए और अगर कोई 500 लोग जनता लोग टिकट बुक कर लेंगे 500 और अगर उसके कोई बाद टिकट बुक करेगा तब दोस्तों उसको वेटिंग 1 मिलेगा और दोस्तों उसके बाद वेटिंग चालू हो जाएगा। तब दोस्तों आप यहां पर बोलिएगा कि आखिरकार 500 ही सीट हम लोग को क्यों बुक करने देती है इंडियन रेलवे, 500 सीट अपने पास रिजर्व क्यों रखती है? सो दोस्तों आज मैं आपको यही डिटेल्स में बताने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आपका भी टिकट वेटिंग में है और दोस्तों इसलिए कैसे कन्फर्म होता है, कितना वेटिंग तक कन्फर्म हो जाता है, कब कन्फर्म होता है, ये सारे डाउट आज के बाद दोस्तों क्लियर होने वाले हैं। चूंकि दोस्तों आप लोग कमेंट करके पूछते रहते हैं कि मेरा RLWL इतना बाय इतना वेटिंग है, इतना को मैंने बुक किया है, कब कन्फर्म होगा, मेरा PQWL में, मेरा TQWL में, मेरा GNWL में सारी वेटिंग टिकट आप लोग कमेंट करके पूछते रहते हैं। सो दोस्तों आज मैं आपको पूरा पोल खोल देने वाला हूं कि आखिरकार वेटिंग टिकट कैसे कब किस तरीके से कंफर्म की जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले आप जानते हैं कि जब आप ऑनलाइन में टिकट खुद से बुक करते हैं तब दोस्तों वहां पर आपको दिखाया जाता है कोटा, 6 तरीके की कोटा, जिसमें दोस्तों कोटा आप लोग जानते हैं जनरल, लेडीज, तत्काल, प्रीमियम तत्काल, लोअर बर्थ, सीनियर सिटीजन और एक होता है पर्सन विथ डिजेबिलिटी। अब दोस्तों इन 6 कोटा में अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं टिकट बुक करने के लिए। मतलब दोस्तों अगर आपका उम्र 20 साल है और अगर आप जनरल में टिकट पहले सर्च कर रहे हैं और अगर उसमें वेटिंग लिस्ट बताया जा रहा है तब दोस्तों आपको टिकट वेटिंग में ही काटना पड़ेगा, और अगर आप सीनियर सिटीजन में सर्च कर रहे हैं और अगर आप उस डेट को उसी ट्रेन में सीट खाली दिखाया जा रहा है और अगर आपका उम्र 20 साल है तब दोस्तों आप यहां पे टिकट बुक नहीं कर सकते हैं भले ही उसमें सीट खाली हो। चूंकि दोस्तों अगर सीनियर सिटीजन आपको में बुक करना है तब दोस्तों उसके लिए कंडीशन है कि मेल के लिए 60 साल या उससे ज्यादा होना चाहिए और फीमेल के लिए 45 साल उससे ज्यादा होना चाहिए, तभी आप टिकट बुक कर पाएंगे। अदरवाइज आपको जनरल में लेना पड़ेगा या फिर दोस्तों वो ट्रेन खुलने से एक दिन पहले तत्काल और प्रीमियम तत्काल में भी टिकट बुक होता है, उसमें आप टिकट बुक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है उस ट्रेन में टिकट को बुक करने के लिए, आपको वेटिंग में ही लेना पड़ेगा, अदरवाइज तत्काल या फिर प्रीमियम तत्काल में आपको टिकट को लेना पड़ेगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि जब आप वो वेटिंग में टिकट काट लेते हैं तब दोस्तों किस तरीके से कन्फर्म की जाती है। सो दोस्तों सबसे पहले आप लोग जान लिए कि एक ट्रेन में 6 तरीके को कोटे थे, लेकिन दोस्तों मैं आपको बताता हूँ वो 6 तरीके को कोटे में ही 500 सीट जो है हम लोग के लिए बुकिंग अलाउ करती है, जिसमें से दोस्तों मात्र उसमें से भी 20% पहले से ही इंडियन रेलवे रिजर्व रखती है तत्काल के लिए और 30% सीट हम लोग के लिए बुक करने के लिए देती है। अब हम दोस्तों यहां पर आपको अब बताते हैं कि इंडियन रेलवे में एक ट्रेन में पूरे 6 कोटे नहीं बल्कि पूरे 12 कोटे होते हैं, भले ही आपको ऑनलाइन टिकट बुक करते समय 6 कोटे दिखते होंगे लेकिन दोस्तों इंडियन रेलवे में पूरे 12 कोटे होते हैं अलग अलग, और वो अलग अलग कोटे क्या होते हैं और उसका क्या क्या क्राइटेरिया होता है सो दोस्तों चलिए अब हम बताते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला होता है जनरल कोटा। सो दोस्तों देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल कोटे के बारे में। दोस्तों जनरल कोटा अगर आप बुक करते हैं तब दोस्तों इसमें कोई भी टिकट बुक कर सकता है। दोस्तों जनरल कोटा में ट्रेन खुलने से 120 दिन पहले ही टिकट बुकिंग स्टार्ट हो जाती है ऑनलाइन, आप आसानी के साथ टिकट बुक कर सकते हैं, आप काउंटर से भी ले सकते हैं। दोस्तों देखिए जनरल कोटा के अंदर सीट जितना खाली है उसमें भी दोस्तों होता है दो और कोटा, एक होता है दोस्तों पुल्ड कोटा और एक होता है दोस्तों RAC कोटा। अब दोस्तों पुल्ड कोटा में क्या है कि मान के चलिए कोई ट्रेन यहां से खुल रही है और यहां तक जा रही है, ठीक है, मान के चलिए कोई ट्रेन पटना जंक्शन से खुल रही है और न्यू दिल्ली जंक्शन तक जा रही है, लेकिन भैया अगर कानपुर से किन्हीं को वही ट्रेन में सफर करना हो न्यू दिल्ली के लिए तब उनको टिकट नहीं मिलेगा? जी बिल्कुल मिलेगा, पुल्ड कोटा इसी को कहते हैं इसके अंदर। और वही टिकट तो अगर मान के चलिए कि पूरा सीट बुक हो जाता है तब दोस्तों अगर वेटिंग में मिल जाता है तब दोस्तों जहां से खुलती है और जहां तक जाती है तो आपको GNWL शो करता है, और अगर मान के चलिए आप कानपुर से ट्रेन में टिकट बुक करना चाहते हैं वही ट्रेन, तब दोस्तों आपको अलग अलग तरह की वेटिंग मिलता है, जैसे कि दोस्तों वो हो गया PQWL, RLWL। और दोस्तों आप लोग इसी तरीके तो कमेंट करते रहते हैं कि मेरा GNWL है, PQWL है, RLWL है, लेकिन दोस्तों सब वेटिंग में अलग अलग कंफर्मेशन चांस होते हैं टिकट कंफर्म होने के। तब दोस्तों ये हो गया जनरल कोटे के अंदर। अब आते हैं दोस्तों लेडीज कोटा। अब लेडीज कोटा में क्या होता है दोस्तों, हर कोच में दो दो सीट लेडीज के लिए पहले से इंडियन रेलवे रिजर्व रखती है। दोस्तों उसके बाद आता है लोअर बर्थ सीनियर सिटीजन कोटा। दोस्तों लोअर बर्थ सीनियर सिटीजन में भी कुछ सीटें रिजर्व रखती है इंडियन रेलवे, चूंकि दोस्तों मान के चलिए अगर कोई मेल सफर मेल है या फिर फीमेल है और वो फीमेल है 50 साल
साल की और मेल है 60 साल के, और अगर वो सफ़र करना चाहेगा तब दोस्तों अगर उन टिकट बुक करेंगे जनरल में, तब दोस्तों अगर उनको अपर वाला सीट मिल जाएगा तब दोस्तों यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है। उतना एजेस वाले आदमी आखिरकार ऊपर जाएंगे कैसे? तो दोस्तों इसके लिए दोस्तों यहाँ पर लोअर बर्थ के नाम से सीनियर सिटीजन रखा गया कि बुजुर्ग वाले लोग जो हैं अगर टिकट बुक करें तब दोस्तों उनको लोअर बर्थ ही मिले, और उनके लिए भी पहले से सीट इंडियन रेलवे टिकट रिजर्व रखती है। ये सब में अलग अलग सीट टिकट रिजर्व रखती है। अब दोस्तों एक और आता है कोटा तत्काल और प्रीमियम तत्काल, ये वापिस दोस्तों आम जनता के लिए ही, हम लोग के लिए है। मतलब दोस्तों अगर किन्हों को इमरजेंसी में कहीं पर जाना हो और अगर वो ट्रेन में सारी सीट फुल हो तब दोस्तों एक दिन पहले जहाँ से ट्रेन खुलती है एक दिन पहले तत्काल के लिए टाइमिंग स्टार्ट होता है। दोस्तों प्रीमियम तत्काल में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसका प्राइस डायनेमिक होता है। डायनेमिक के मतलब से अगर सीट की डिमांड बढ़ेगी तब दोस्तों प्राइस का भी डिमांड बढ़ेगी, और अगर सीट की डिमांड घटेगी तब दोस्तों प्राइस का भी डिमांड घटेगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर तत्काल में दोस्तों प्राइस फिक्स रहता है, लेकिन दोस्तों जनरल के मुकाबले तत्काल में प्राइस जो है थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। और दोस्तों तत्काल में वापस क्या होता है, हम लोग के लिए ही बुकिंग के लिए होता है, आम जनता के लिए ही बुकिंग होता है। जब आप लोग तत्काल में टिकट बुक करिएगा तब दोस्तों जनरल की तरह नहीं है, तत्काल की टाइमिंग जो है फिक्स रहती है। जनरल के लिए आप कभी भी टिकट बुक कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों तत्काल के लिए अगर एसी क्लास का है तब दोस्तों 10 बजे, और अगर नॉन एसी क्लास का है तब दोस्तों सुबह के 11 बजे। लेकिन दोस्तों ट्रेन खुलने से एक दिन पहले, ट्रेन जहाँ से खुलेगी वहाँ जिस स्टेशन से खुलेगी उस स्टेशन से एक दिन पहले, तब दोस्तों ये सब आती है तत्काल में और प्रीमियम तत्काल में। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं पर्सन विथ डिसेबिलिटी में। दोस्तों पर्सन विथ डिसेबिलिटी में भी इंडियन रेलवे पहले से सीट रिजर्व रखती है। जो दोस्तों विकलांग हो टिकट उनको दोस्तों कोई दिक्कत ना मिले, अगर वो ट्रेन में पूरी सीट फुल हो जाए तब वो पर्सन विथ डिसेबिलिटी में जा करके चेक कर सकते हैं। अगर सीट खाली हो तब दोस्तों उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो, वो भी आसानी के साथ सफर कर सकते हैं। दोस्तों ये हो गया 6 कोटे के बारे में, जो दोस्तों अगर आप ऑनलाइन में टिकट बुक करते हैं तब दोस्तों इन 6 कोटे आपको दिखाते हैं, और मैंने 6 कोटे के बारे में पूरे अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। अब दोस्तों अब हम बात करते हैं 6 और क्या क्या कोटे होते हैं। अब हम दोस्तों बात करते हैं 6 अलग प्रकार के कोटे में। दोस्तों उसके बाद आता है 7वां एचओ कोटा। दोस्तों ये होता है हाई क्लास कोटा। इस कोटे को दोस्तों हम लोग इमरजेंसी भी कोटा बोलते हैं। दोस्तों इस कोटे में मंत्री जी लोग सफर करते हैं, माननीय मंत्री, उसके बाद दोस्तों एमएलए, मिनिस्टर। चूंकि दोस्तों इनका कोटा में अगर पूरी ट्रेन फुल भी हो जाए तब दोस्तों ये एचओ कोटा के अंदर जाकर के अपना टिकट कंफर्म टिकट ले सकते हैं, पहले से इंडियन रेलवे सीट रिजर्व रखती है। अब दोस्तों 8वां आता है डिफेंस कोटा। दोस्तों डिफेंस कोटा में दोस्तों हमारे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वालों के लिए होती है, ताकि दोस्तों उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो, पहले इंडियन रेलवे सीट उन लोगों के लिए अलग रिजर्व रखती है। अब दोस्तों 9वां कोटा होता है फॉरेन टूरिस्ट कोटा। दोस्तों उसके लिए भी पहले इंडियन रेलवे सीट रिजर्व रखती है, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब दोस्तों 10वां कोटा आता है ड्यूटी पास कोटा, यानी कि दोस्तों रेलवे एम्प्लॉयज कोटा। दोस्तों इन कोटा में रेलवे के एम्प्लॉय के लिए सीट अलग से पहले ही इंडियन रेलवे रिजर्व रखती है, ताकि रेलवे के कर्मचारी अगर रेलवे के ही काम से जा रहे हैं और अगर उनको टिकट ना मिल पाया तब दोस्तों वो काम करेंगे कैसे। तब दोस्तों इंडियन रेलवे पहले से ही रेलवे के एम्प्लॉयज के लिए सीट पहले से ही रिजर्व रखती है, ताकि अगर ये टिकट बुक करें तब इनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों 11वां नंबर कोटा के बारे में बात करते हैं। दोस्तों एक और कोटा होता है वीआईपी कोटा। दोस्तों ये कोटा में दोस्तों और बड़े बड़े लोग के मंत्री जी लोग सफर करते हैं, ताकि दोस्तों इनको भी वेटिंग टिकट ना मिले, और दोस्तों इनके लिए एक अलग इंडियन रेलवे सीट रिजर्व रखती है, ताकि दोस्तों इनको भी जब भी टिकट जाना हो तब दोस्तों इनको बिल्कुल कन्फर्म टिकट मिले। अब दोस्तों यहाँ पर बर्मा कोटा के बारे में बात करते हैं, होता है युवा कोटा। दोस्तों ये स्टूडेंट लोग के लिए कोटा होता है, ताकि दोस्तों स्टूडेंट लोग के लिए भी कोई प्रॉब्लम ना हो। अब दोस्तों मैंने 6 जितने भी कोटे अलग कोटे के बारे में बात किए वो दोस्तों सीट इंडियन रेलवे पहले से तो रिजर्व रखती है, लेकिन दोस्तों ट्रेन चार्ट बनने तक अगर उस कोटे तक सीट खाली नहीं हुआ, लेकिन दोस्तों अगर ट्रेन चार्ट सो दोस्तों छः इन तरीके के अलग अलग कोटे होते हैं, अलग अलग लोगों के लिए होते हैं। सो दोस्तों इंडियन रेलवे पहले से ही ये सारे कोटे को सीट आधा रिजर्व रखती है। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि मान के चलिए कि इन सब सीटों में अगर इन लोगों ने अपना टिकट बुक नहीं करवाया तब इन लोग सीट क्या होगा। अब दोस्तों सीट क्या होगा जब ट्रेन चार्ट बनेगा, कोई भी ट्रेन का चार्ट जनरली 4 घंटा पहले बनता है। अब दोस्तों अगर इन लोगों ने अपना टिकट बुक नहीं करवाया तब दोस्तों जितने भी वेटिंग वाले हैं सबके दोस्तों टिकट जो है फटाफट कन्फर्म होती जाती है। सब दोस्तों देखते हैं कि अरे इन कोटा में सीट खाली है, इन कोटा में नहीं बुक हुआ है, इन कोटा में नहीं बुक होगा, सारे वेटिंग टिकट दोस्तों फटाफट कन्फर्म की जाती है। सर दोस्तों आप लोग देखते होंगे कि आप लोग का कभी कभी दोस्तों 20-30 वेटिंग रहता है और डायरेक्ट ट्रेन चार्ट बनने के बाद आपका टिकट कंफर्म हो जाता है। सो दोस्तों यही होता है कि एक ट्रेन के अंदर इतने सारे कोटे होते हैं, जिसमें दोस्तों 6 कोटे तो हम लोग के लिए होते हैं और 6 कोटे दोस्तों अलग लोगों के लिए होते हैं। और दोस्तों अगर 6 कोटे में अपना लोगों ने टिकट बुक नहीं करवाया है तब दोस्तों उन सारे
सीटों में दोस्तों वेटिंग लिस्ट वालों को टिकट कंफर्म कर दी जाती है, इसीलिए दोस्तों लोग वेटिंग टिकट बुक करवाते हैं। अगर दोस्तों सारे लोगों ने टिकट बुक कर दिया है तब दोस्तों अगर आपका वेटिंग वन भी रहेगा तो कंफर्म नहीं होता है, लेकिन दोस्तों जनरली ऐसा भी नहीं होता है। दोस्तों अगर हर कोटा फुल है, अगर हर लोगों ने अपना कोटा फुल करवा लिया है तब दोस्तों वेटिंग वालों को हो जाती है प्रॉब्लम, तब दोस्तों 10 वाली वेटिंग भी कभी कभी कन्फर्म नहीं होती है। अगर कोटा सारी दोस्तों खाली ही पड़े तब दोस्तों ट्रेन चार्ट बनने के बाद दोस्तों आप लोग देखते होंगे कि कभी कभी 50 तक की भी वेटिंग, 100 तक की भी वेटिंग कन्फर्म हो जाती है। और दोस्तों अक्सर आप देखते होंगे पर्वत त्योहारों में दोस्तों की वेटिंग लिस्ट कम नंबर वाले भी टिकट कन्फर्म नहीं होते हैं, चूँकि दोस्तों उस टाइम सब कोटे में सीट प्रॉपर तरीके से फुल हो जाते हैं, भर जाते हैं। सो दोस्तों फाइनली आप लोगों ने आज के वीडियो में समझा कि एक ट्रेन में कितने कोटे होते हैं और दोस्तों आपका वेटिंग टिकट किस तरीके से कंफर्म होता है। सो दोस्तों आई होप अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं सजेस्ट करूंगा रेड बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।